तो फुल नाइट ट्रैवलिंग करके सब लोग थक चुके थे और सबको फ्रेश होना था, चाय पीनी थी। तो हम लोग रोड साइड में खड़े हो चुके हैं और सामने की ओर एक गौशाला है, वहीं पर हम लोग खड़े हैं और सब लोग फ्रेश होने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो सब ने यहाँ पर ब्रश कर लिया और अब चाय की बारी आ चुकी है। तो सब लोग चाय पीते हैं और अपने टूर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जाना है श्रीनाथ जी, तो यहाँ से सीधा अब हम लोग श्रीनाथ जी जाएंगे, तब तक कुछ कॉमेडी हो जाए। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं सर। तो आपने भरत भाई का वीडियो देख लिया होगा पुष्पा का, तो तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं और चाय पी के फिर अपनी टूर आगे बढ़ाते हैं श्रीनाथ जी के लिए। तो भैया हम लोग पहुंच चुके हैं नाकोड़ा ग्रीन वैली रिसॉर्ट्स में। तो ये हमारा रिसॉर्ट्स है, हम यहाँ पर फ्रेश होकर पहले दर्शन के लिए जाएंगे नाश्ता करके। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया रिसॉर्ट है, मैं इसका पूरा वीडियो आपको बाद में इसके बाद दिखाऊंगा। तो पहले हम अंदर चलते हैं और फ्रेश हो लेते हैं। तो भाई नाश्ता हो चुका है तैयार और अब हम सब लोग नाश्ता करने के लिए आ चुके हैं। नाश्ता करके फिर श्रीनाथ जी दर्शन के लिए जाएंगे। तो भैया हमने जिस रिसोर्ट में बुकिंग करवाया था वहाँ पर पहुँच चुके हैं, सब ने नहा लिया और अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हम श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए नाश्ते पे अभी चाय और थेपले, गुजराती लोग थेपले ही खाते हैं, वो तो आपको सबको पता ही होगा। तो थेपले और चाय। अमित भाई चाय दे दो, चाय दे दो। गिरेगी पालो में नहीं देख, थोड़ी चाहिए सर। सभी गुजराती लोग थेपले ही खाते हैं। बुकड़ा फाफड़ा चेतन भाई थेपला खा लो। जय तो बे हाथी ले जाओ, वो खा दे। रिक्शा। तो भैया दर्शन करने के लिए रिक्शा पकड़ ली है, देखो तो चलो अभी दर्शन करने के लिए चलते हैं। शायद अंदर मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे हैं, फिर देखते हैं। बस स्टैंड से भैया कितना बड़ा है, एक का 10 रुपए, एक का 10 रुपए लगता है। तो मंदिर के लिए चलते हैं अभी। क्या बढ़िया गेट है यार। छोटे बैठे नवाल रिक्शे में से उतर चुके हैं सब लोग। तो भैया अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर की ओर, यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक है यहाँ पर, आपको मैं आगे दिखाता हूँ, बहुत ही ट्रैफिक। तो ये देखिए बीच में प्रसाद भी मिलता है। तो हम अभी आगे जाते हैं मंदिर में, जहाँ पर हमें बूट चप्पल और कैमरा सब कुछ रखना पड़ेगा क्योंकि मंदिर में अलाउड नहीं है ये सब। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमें शूज़ कैमरा सब कुछ यहाँ पर रख कर
फिर मंदिर में जाना पड़ेगा, तो मैं आपको मंदिर के दर्शन नहीं करवा सकता, तो यहाँ पर रख के मैं दर्शन करके आ रहा हूँ, बाद में हम लोग बाजार में घूमेंगे। तो भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे दर्शन हो चुके हैं श्रीनाथ जी के, तो बहुत ही मज़ा आया। अंदर बाघ के दर्शन करने पड़ते हैं, तो वो भी एक अलग सा अनुभव हो चुका हमारा। तो ये चाचा यहाँ पर निशुल्क सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं सबको। यहाँ पर ज़रूर आना, अगर आप यहाँ पर आते हो तो एक बार इनका पानी ज़रूर पीना, बहुत मज़ा आएगा। निशुल्क भाव से सेवा करते हैं ये चाचा। तो भैया प्रसाद ले लेते हैं, मंदिर के अंदर भी प्रसाद मिलता है, अगर हो सकता है तो वहीं से ले, तो हम जो बाकी है वो यहाँ से लेते हैं। क्या क्या रेट है? ये 50 रुपये का एक सब मिक्स, और वो 100 वाला, 130 वाला लड्डू, ये क्या मामा का आता है? ये मैसूर भाग है। मैसूर 50 वाला मिक्स ले ले वाला मिक्स ले ले, ये सभी आखा पीस आएगा। जी ले, प्रसाद ले लिया, एक 150 वाला और मंदिर में से 50 वाला दे दो। चलो देखते हैं अब और क्या है अंदर, बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है यहाँ। अभी हम लोग भगवती रेस्टोरेंट में रबड़ी के लिए आए हुए हैं, तो देखते हैं यहाँ पर फेमस है रबड़ी, तो देखते हैं कैसी है, पहले टेस्ट करते हैं फिर पता चलेगा कैसी लगती है। लो इधर है, क्या रेट क्या है? 30 रुपये। ओके बेस्ट बेस्ट है, और दे दो भैया फिर। छः और दे दो। रबड़ी में एक ही फ्लेवर है या अलग अलग होते हैं? एक ही बनता है, दूध और शक्कर, उसके अलावा। हाँ तो ठीक, अरे कोई फ्लेवर एसेंस डाल दो तो फ्लेवर हो जाएगा, नहीं होता। ओके चले चले, इसको रखो। लाओ भैया, डॉक्टर साहब रबड़ी में कैसा लग रहा है? अच्छा, बढ़िया 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 है ना? बढ़िया बढ़िया है।